हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक राइट कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूट टाइप कर लेते राइट कर लेते हैं रूट। तो रूट में हमें जो जो डिस्कस करना है, रूट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहले तो ये है टाइप ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स, उसके बाद फंक्शन, फंक्शंस ऑफ रूट, और उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रूट हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट है उसके मेन दो सिस्टम होते हैं। मतलब प्लांट के मेन अगर देखा जाए तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक ये अगर कोई प्लांट है इस तरह से, ये कोई प्लांट है तो इसके मेन दो पार्ट होंगे। एक तो वो जो ऊपर से हमें दिखेगा और एक दूसरा जो सॉइल के नीचे रहेगा। जो सॉइल के नीचे रहेगा ये पूरा रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है जिसमें अलग अलग तरह के रूट्स आते हैं। अब रूट दो तरह के होते हैं, अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ रूट्स में मेनली दो तरह के होते हैं। तो ये पूरा जो रूट के बारे में है ये रूट सिस्टम कहलाता है, और ये जो ऊपर का होता है ये शूट सिस्टम कहलाता है। रूट सिस्टम में सिर्फ रूट्स ही आएंगे, अब अलग अलग तरह के रूट्स डिस्कस होंगे रूट सिस्टम में। और शूट सिस्टम में डिस्कस होंगे ये ऊपर का सारा कुछ, चाहे इसमें स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे बर्ड हो, जो कुछ भी है ऊपर, जो कुछ भी है वो सब शूट सिस्टम में आएगा और ये आएगा रूट सिस्टम में। तो हम यहां पर हमें डिस्कस करना है रूट। तो यहां पर सबसे पहले तो टाइप ऑफ रूट्स। तो रूट्स दो टाइप के होते हैं मेनली। एक तो ये होता है कि जिस तरह से आप मस्टर्ड देखते हैं, सरसों देखते हैं, तो उसमें ये होता है रूट, एक सीधी सी बीच में रूट निकली होती है जिसको कि मेन रूट कहा जाता है। ये जो बीच में एक रूट निकली होती है उसको क्या कहते हैं, मेन रूट, उसको मेन रूट कहते हैं। और फिर इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, ये ब्रांचेस निकली होती हैं इस तरह से। इन ब्रांचेस को कहा जाता है लेटरल रूट। इन रूट्स को कहा जाता है लेटरल रूट। एक तो मेन रूट होती है और फिर उसके साइड से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है। अगर ये रूट टूट जाती है, हम अपरूट करें किसी प्लांट को उखाड़े, ये रूट टूट जाती है तो फिर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगर ये लेटरल रूट टूट जाती है तो फिर प्लांट जो होता है वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर ये मेन रूट टूट जाए तो फिर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। तो एक तो टाइप ऑफ रूट ये हुआ जिसमें एक मेन रूट होता है और उसके साथ ये लेटरल रूट्स लगी हुई होती हैं, तो इस तरह के रूट को कहा जाता है टैप रूट। तो रूट दो तरह की होती हैं, तो टैप रूट। टैप रूट कौन सी रूट हुई, ये वाली रूट टैप रूट हुई जिसमें एक सीधे मेन रूट गई उसके साथ लेटरल रूट्स निकली हुई, ये टैप रूट हुई। एक और रूट होगी दूसरी तरह की, उसमें क्या होगा, वो फाइब्रस रूट होगा। ये अगर इस तरह से कोई प्लांट निकला हुआ है, ग्रास है कोई, तो उसमें क्या होता है रूट के इस तरह से फाइबर्स गुच्छे पाए जाते हैं, ये इसको एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं। तो इसमें जिस तरह से फाइबर्स ये गुच्छे पाए जाते हैं तो इसको फाइब्रस रूट कहा जाता है। इस प्लांट को अपरूट करना आसान होता है, इस प्लांट को अपरूट करना उतना आसान नहीं होता। तो इस तरह के जो रूट होते हैं वो ये फाइब्रस रूट कहलाते हैं। तो रूट दो तरह के हुए, एक टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, तो टाइप ऑफ रूट में रूट दो तरह के हुए, टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट जो होते हैं वो इस तरह से जिसमें एक मेन रूट होती है उसके साथ लेटरल रूट्स निकले होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। फाइब्रस रूट ये होता है, फाइब्रस रूट में ये यहां से कर दे इसको, फाइबरस रूट ये होता है कि उसमें फाइबर्स निकले होते हैं, उसमें कोई मेन रूट नहीं होता, रूट के उसमें क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, तो इसको फाइबरस रूट कहते हैं। तो ये तो दो इसके हो गए टाइप, दो टाइप्स टाइप ऑफ रूट्स में हमने देखा कि टाइप रूट और फाइबरस रूट। इसके बाद देख लेते हैं फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो रूट के फंक्शन अगर हम यहाँ पर देखें, रूट के फंक्शन में नंबर एक तो ये होता है, रूट के फंक्शन को यहाँ पर देखें तो नंबर एक तो ये होता है कि प्लांट को एंकर देता है, प्लांट को मतलब सहारा देता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। रूट के बगैर तो प्लांट खड़ा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रूट ही तो जमीन में उसको रोके रखता है। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि किसी भी प्लांट को ये सहारा देता है, रूट जो होता है वो सहारा देता है, रूट के बगैर प्लांट नहीं खड़ा रह सकता। नंबर दो है कि फूड,
फूड प्रोवाइड करता है, जमीन से वाटर प्रोवाइड करता है, जमीन से फूड मटेरियल दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद आगे चल के फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जो वाटर है या दूसरे मिनरल्स हैं वो जमीन से रूट ही इसको प्रोवाइड करता है। तो ये तो इसके इसका मेन फंक्शन हो गया। तो एंकरिंग ये भी इसका मेन फंक्शन है, सहारा देना, सपोर्ट देना ये भी इसका मेन फंक्शन है, और प्लांट को फूड प्रोवाइड करना ये भी इसका मेन फंक्शन है। नंबर थ्री, ये जब जहां प्लांट लगा होता है तो रूट जो होता है वो मिट्टी के कटाव से बचाता है, मतलब सॉइल इरोजन से बचाता है, सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन अलग अलग है, सॉइल अलग इरोजन अलग, तो सॉइल इरोजन से बचाता है, मतलब मिट्टी को कटने से बचाता है। तो ये भी एक तरह का रूट का फंक्शन हो गया। तो रूट के ये मेन फंक्शंस हैं कि रूट जो होता है वो प्लांट को सपोर्ट देता है, रूट जो होता है प्लांट के लिए फूड मटेरियल वाटर वगैरह जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, और सॉइल इरोजन से बचाता है। तो ये थ्री मेन फंक्शंस हो गए रूट के। तो रूट एक तो टाइप ऑफ रूट हो गया, फंक्शंस ऑफ रूट हो गया। अब हम यहां पर देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या होता है, रूट आमतौर से ये मेन रूट है, मतलब इसी ये टाइप, ये एक तो रूट का ये टाइप हो गया, एक तो रूट का ये टाइप हो गया। लेकिन कुछ रूट ऐसे होते हैं जो इस तरह के नहीं होते, ना इस तरह के होते हैं ना इस तरह के होते हैं, बल्कि कुछ और काम करने लगते हैं। तो जब कुछ और काम करने लगते हैं तो उनको कहा जाता है मॉडिफाइड हो गए, किसी और दूसरे फंक्शन के लिए कोई दूसरा काम करने लगे। तो हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए रेडिश है मूली, तो क्या होता है, मूली है, गाजर है, ये सब क्या होते हैं, अब ये ऊपर लीफ लगी हुई है और यहां से इसका यहां पे छोटा सा स्टेम होता है, ये नीचे पूरा रूट है, ये नीचे रूट है और ये रेडिश है, ये हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये रूट का फंक्शन तो ये हुआ कि ये यहां से फूड मटेरियल ले और ऊपर ले जाए, शूट को प्रोवाइड करे, लीफ तक के पहुंचाए। तो ये रूट का काम होता है कि यहां से जो वाटर है और मिनरल्स है उसको अब्जॉर्ब करे, यह रूट का काम है कि सपोर्ट करे प्लांट को। लेकिन यहां पर रूट क्या करता है, रूट यहां पर करता है कि फूड मटेरियल अपने आप में स्टोर करने लगता है। तो ये मॉडिफाइड हो गया, ये मॉडिफिकेशन इसका है कि फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने लगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो इसका एक मॉडिफिकेशन ये है कि ये फूड को एब्जॉर्ब करने लगा, फूड को एब्जॉर्ब करने लगा। अब ये और बात की, जब फूड को एब्जॉर्ब करने लगता है तो इसको हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो इस रेडिश को हम फिर अप्रूट कर लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, फिर हम इसको अपने खाने में यूज करते हैं। लेकिन ये होता इसलिए है कि अगर ये स्टोर करता है तो जब कभी प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो, प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो, प्लांट के लिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसको फूड मटेरियल ना मिल रहा हो, तब ये प्लांट जो है वो फूड मटेरियल, ये वाला फूड मटेरियल यूज करेगा, जो खुद उसने रूट में स्टोर कर लिया उस फूड मटेरियल को वो यूज करेगा। लेकिन ये कंडीशन हम लोग नहीं आने देते, उससे पहले उसको अप्रूट करके हम लोग इंसान खुद खा लेता है उसको। अदरवाइज अगर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो कभी, तो फिर ये इसी फूड मटेरियल को ये प्लांट यूज करेगा। तो मॉडिफिकेशन में पहला तो ये हो गया कि फूड स्टोर करता है। एक मॉडिफिकेशन और बहुत जनरल आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, तो उसमें क्या होता है कि जो रूट होते हैं, यहीं पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी जो ब्रांचेस है, जैसे बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, तो उसकी जो ब्रांचेस इस तरह से ये है। अब इसकी जो ब्रांचेस निकली होती है, यहां से भी रूट निकला हुआ होता है, ये रूट निकल के जमीन तक आ जाती है, और जमीन तक जब आ जाती है तो एक पिलर का काम करती है। ये प्लांट है, ये प्लांट है, और ये ऊपर समझ लीजिए पूरा, मतलब ये ट्री है, और ये ऊपर का समझ लीजिए पूरी लीफ है, ये ब्रांचेस निकली हुई है इसमें, और इन ब्रांचेस से क्या है, ये रूट निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रॉप रूट कहते हैं, PROP, प्रॉप, इसको कहा जाता है प्रॉप रूट। तो ये रूट यहां से सपोर्ट के लिए आता है, सपोर्ट का काम करता है, जिस तरह से पिलर सपोर्ट करता है, तो जिस तरह से पिलर सपोर्ट करता है उसी तरह से ये रूट आकर के जमीन में लग जाते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं, इसको सहारा देते हैं। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। तो ये भी मॉडिफाइड है, रूट तो यहां से नीचे से, इसके बाकी रूट तो नीचे होते ही है ना, लेकिन ये मॉडिफाइड रूट है जो कि इसको सपोर्ट देते हैं। और ये सिर्फ बरगद ही में नहीं होते, आप इसको शुगर केन में देखेंगे, शुगर केन देखें, या आप मेज देखें मक्का, तो ये जो मक्का का जो स्टेम होगा, ये जो प्लांट है, यहां से अगर मान लिया जाए इसका स्टेम लगा हुआ है, इसको थोड़ा मोटा कर दें तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा, ये स्टेम है और ये स्टाइल यहां नीचे लगा हुआ है। तो यहां पर क्या होते हैं, यहां पर इस तरह से ये प्रॉम्प रूट निकल आते हैं, ये इस तरह से इसको सपोर्ट देने के लिए। तो यहां पर तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इतने बड़े बड़े से आप देखेंगे, छोटे छोटे से,
लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे इसमें बरगद के पेड़ में, बनियान वगैरह में, तो उसमें बहुत बड़े बड़े से निकले होते हैं, तो बहुत क्लियर देखते हैं। इसमें आप जब देखेंगे नीचे इसको, तो फिर ये भी सपोर्ट के लिए निकले होते हैं। तो ये वही प्रॉम्प्ट रूट होते हैं जो कि मॉडिफाइड रूट है, और ये प्लांट को सपोर्ट देने के लिए होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन में आपने एक तो ये देखा कि यहाँ पर फूड स्टोरेज के लिए, दूसरा आपने देखा कि रूट सपोर्ट के लिए, मतलब सपोर्ट वाला फंक्शन करने लगते हैं, कि जो ट्री है उसको, जो ट्री है, जो प्लांट है उसको सपोर्ट करते हैं, सीधा खड़ा रखने में उसको सहारा देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो एक तो टाइप ऑफ रूट में आपने देखा कि टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट में आपने देखा कि मेन रूट होता है, उसके साथ ब्रांचेस निकले होते हैं। फाइब्रस रूट में आपने देखा कि गुच्छे की तरह होता है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होता या ना कोई लेटरल रूट्स होते हैं। इसमें एक मेन रूट होता है बीच में, और उसके साथ में लेटरल रूट्स होते हैं। और फंक्शन आप रूट में आपने देखा कि ये प्लांट को एंकरिंग करता है, फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है, और सॉइल इरोजन से बचाता है। नंबर थ्री, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आपने देखा कि एक तो ये कि ये अपने आप में फूड स्टोर करता है, और दूसरा ये इसमें प्रॉम्प्ट रूट होती है जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर किसी तरह का है या कोई क्वेश्चन है तो आप इसको पूछ सकते हैं, या इससे अलग भी किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।